अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं कर रही हूँ तैयारी पुलाव की। पुलाव और कबाब आज बन रहा है, जो की पसंद का खाना। यखनी बना के रख ली है और बाकी सारा काम भी कर लिया है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चे और ये प्याज देखें, ये सबसे ज़्यादा काटने में परेशानी होती है। और यखनी तैयार की हुई है और मेरे हाथ सारे ख़राब हो चुके हैं। दिखाते हैं आपको, ये हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा, ये अंगूठा देखें। खैर, आपसे मिलते हैं, खाना बना के जल्दी जल्दी करते हैं। गैस ने बहुत परेशान कर दिया है, बस तैयारी हो रही है। और सोचा मैंने कि थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया। थोड़ा डालेंगे इसमें लहसुन अदरक, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि खास से मैंने मोबाइल पर पकड़ा हुआ है। और हरी मिर्चे किसी भी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तब कोई आता होगा बनाना तकरीबन, लेकिन मेरी रेसिपी अलग होती है। और बहुत अच्छा बन चुका है। और इसमें है नसपाला गोश, ये यखनी, ये भून के फिर आपसे मिलते हैं। गैस देखें कितनी कम आ रही है, सिर्फ इतना सा ही जल रहा है चूल्हा। चटपटे बने हुए कबाब, दो तीन तो मैं खा चुका हूँ। कैसे लग रहे हैं आपको मेरे कबाब? माशाल्लाह, कोशिश करी मैंने हबीब का पुलाव बनाने की, देखें किसका बनाए। कैसा है खाना? जी कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं तो मस्त मूवी देखते हुए एंजॉय कर रहा हूँ। वहीं पे वहीं रखा हुआ है। नहीं चलो सुनो, अपा कैसा है? सुनो अपा कैसा है? सुनो बता दो सुनो। यम्मी यार, मेरे बच्चा बोला और ले लें। बताइएगा हाँ और मीठा तो कुछ बनाया ही नहीं है। और इस व्लॉग को एंड करते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पियेंगे रूफी? सारा इंतज़ाम मैंने आपके लिए किया है। थैंक यू की क्या बात है इसमें। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ जब इतना अच्छा इंतजाम किया तो शुक्रिया मनता है ना।